सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, देश में नौकरी पेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने बड़ा झटका दिया है। ईपीएफओ ने साल 2017-18 के लिए ब्याज दर को घटा दिया है। आज हुई ईपीएफओ 79 बोर्ड की बैठक में भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.55% तय की गई है, जबकि पिछले साल यह 8.65% थी। ऐसे में अब कर्मचारियों को ईपीएफ में कटौती पर कम लाभ मिलेगा। कर्मचारियों पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा खबर को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप कर चुके हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल ईपीएफओ द्वारा ब्याज दर 8.65% बरकरार रख सकता है, क्योंकि इसके लिए इस महीने की शुरुआत में ईपीएफओ 2,886 करोड़ रुपए मूल्य के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेच चुका है, लेकिन उम्मीदों के उलट ब्याज दर को घटा दिया गया। जाहिर है ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारी नाखुश होंगे। लगातार घट रही हैं पीएफ पर ब्याज दरें। बता दें कि ईपीएफओ ने 2016-17 के लिए 8.65% ब्याज दर की घोषणा की थी। यह 2015-16 में 8.8% थी। लगातार तीसरा मौका है जब पीएफ पर ब्याज दरों में कटौती की गई है। गौरतलब है कि बजट में भी नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लोगों को सरकार ने कोई बड़ी राहत नहीं दी थी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अभी ईपीएफओ का फैसला भी नौकरी पेशा लोगों को निराश करेगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ अगस्त 2015 सेकंड ईटीएफ में निवेश कर रहा है, लेकिन अब तक ईटीएफ निवेश का लाभ नहीं उठाया है। ईपीएफओ ने अब तक ईटीएफ में करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। न्यासियों की बैठक के एजेंडे में चालू वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर निर्धारण का प्रस्ताव भी शामिल है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।